Realme 11 Pro Plus जब से लॉन्च हुआ है बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि Realme Pro Plus 5G खरीदना चाहिए या Moto H 40 खरीदना चाहिए। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोनों फोन का जो डिजाइन है वो अलग अलग है। Realme 11 Pro Plus का दो डिजाइन है। देखिए, एक डिजाइन ग्लॉसी पैनल के साथ आता है, बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह आ ही जाता है। लेकिन और एक डिजाइन है जो कि शानदार लुक देता है, लेदर फिनिश के साथ आता है और ज्यादातर लोग ये लेदर फिनिश वाला फोन ही पसंद करता है। आप लोगों को Realme का कौन सा डिजाइन पसंद आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Moto H 40 क्लासिक लुक देता है, प्रीमियम लुक देता है, बहुत सारे लोग इसको भी पसंद करेगा। हालांकि बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट है, यहाँ पे ग्लास बैक वगैरह नहीं है, हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह आ ही जाता है। दोनों ही फोन लाइट वेट फोन है, यूज करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। डिस्प्ले के पास देखोगे दोनों ही फोन कार्व डिस्प्ले के साथ आता है। Realme 11 Pro Plus 5G में 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहां पे दिया गया है। 950 निट्स का ब्राइटनेस है। आउटडोर में भी इस फोन को मैं काफी टाइम तक यूज किया हूं, आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छा है, कड़ी धूप में भी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। Moto H 40 में 6.55 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले यहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो Realme से यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। 1200 निट्स का ब्राइटनेस है, इसका भी आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छा है। देखिए, दोनों ही फोन को आउटडोर में फुल ब्राइटनेस करके यूज कर रहा था, ब्राइटनेस में मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस दिखा ही नहीं दिया। ऐसे भी दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रख के मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह कंज्यूम किया हूं, जो एक्सपीरियंस है वो दोनों ही फोन में आप लोगों को सेम मिलने वाला है। दोनों ही फोन को साइड बाय साइड यहां पे आप लोग चेक कर लीजिए, डिफरेंस आप लोगों को पता नहीं चलेगा। दोनों ही फोन में आप लोग YouTube में HDR कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। दोनों ही फोन के नीचे जो चेन साइड में जो बेजल्स है वो एवरेज है। देखिए, Realme 11 Pro Plus का एक माइनस पॉइंट है, इसका जो कार्व्ड डिस्प्ले है ना, ये जो कार्व्ड जगह में टच होता है दोस्तों, और ये बेकार लगता है क्योंकि कई बार हम लोग हाथ में पकड़ के फोन को इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे उंगली साइड में टच हो जाता है, तो उसके वजह से बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो जाता है जो कि Realme के फोन में है। Realme का जो कार्व्ड है ना वो उतना अच्छा ऑप्टिमाइज भी नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन कार्प जगह में काट हो जाता है, तो ये भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। Realme को ये छोटे छोटे चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। Moto H 40 में MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट मिलता है और Realme के फोन में दिया है MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट। दोनों ही फोन के ऊपर मैं अंतुतु बेंचमार्क को रन किया था। देखिए, Moto के फोन में जो अंतुतु स्कोर है वो 6.5 लाख के आसपास आया है और उसी जगह में Realme के फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो 5,24,000 के आसपास है। तो Realme से Moto का जो अंतुतु स्कोर है वो काफी अच्छा है, काफी ज्यादा अंतुतु स्कोर भी आया है। दोनों ही फोन में मैंने बेंचमार्क 6 को भी रन किया था। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, सिंगल कोर या मल्टी कोर दोनों कोर स्कोर में Moto ही विनर है। दोनों ही फोन में मैं काफी टाइम तक BGMI प्ले किया हूं। दोनों ही फोन में BGMI स्मूथ एक्सट्रीम और HDR अल्ट्रा सेटिंग करके चलता है। दोनों ही फोन में PUBG स्मूथ चलता है, लैगिंग इशू मुझे दिखाई नहीं दिया। हां, Moto के फोन में जब आप लोग HDR अल्ट्रा करके खेलने जाओगे तब थोड़ा सा लैगिंग इशू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा Moto के फोन में HDR अल्ट्रा करके। और Moto के फोन में अगर आप कंटिन्यू काफी टाइम तक BGMI खेल रहे हो, फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है दोस्तों। इतना ज्यादा हीट होता है आप हाथ में ही नहीं ले पाते हो, बहुत ज्यादा हीट होता है। उसी जगह में Realme के फोन में अगर आप कंटिन्यू काफी टाइम तक PUBG वगैरह खेल रहे हो 3-4-5 घंटे तक, तो ये फोन उतना ज्यादा हीट नहीं होता है। तो Moto के फोन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन ओपनिंग के टाइम में मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दिया है। देखिए, दोनों फोन का मैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी किया हूं, तो अगर आप लोगों को स्पीड टेस्ट कंपैरिजन देखना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। वहां पे भी कहीं ना कहीं Moto ही विनर है। दोनों ही फोन का जो बेस वेरिएंट हमारे पास है 8GB 256GB वेरिएंट। देखिए, रैम मैनेजमेंट दोनों का ही ठीक ठाक है, बहुत सारे एप्लीकेशन को रिलोड करता है। लेकिन जब मैं PUBG को चेक किया, PUBG रैम में था, ये मेरे को अच्छा लगा। मतलब छोटे मोटे एप्लीकेशन रैम में किल कर देता है, लेकिन जो हेवी एप्लीकेशन वगैरह रहता है जैसे कि काइन मास्टर रेंडरिंग के बाद और PUBG, ये सारे एप्लीकेशन रैम में रहता है। चलो बैटरी के बारे में बात करते हैं। Moto H 40 में 4400 mAh का बैटरी मिलता है, Realme के फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया है। देखिए, दोनों ही फोन का मैं बैटरी डेंटिस्ट कंपैरिजन किया हूं और अलग अलग तरीके से भी बैटरी डेंटिस्ट किया हूं, सिर्फ BGMI खेल के। तो सबसे पहले ये बता दूं, कंटिन्यू जब मैं BGMI खेल रहा था Moto के फोन में, तो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया है 5 hours 12 या 15 मिनट के आसपास। उसी जगह में Realme 11 Pro Plus में BGMI कंटिन्यू खेल रहा था 100%
परसेंट से 0% तक। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया है 4 hours 20 या 17 minutes के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मुझे दिया है। लेकिन दोनों फोन को जब मैं साइड बाई साइड बैटरी डेंटिस्ट कंपेरिजन कर रहा था, मतलब कुछ टाइम तक यूट्यूब वीडियो प्ले कर लिया, कुछ टाइम तक कैमरा ओपन कर लिया, कुछ टाइम तक बीजीएमआई को प्ले किया था, कुछ टाइम तक हम लोग अंतुतु बेंचमार्क को रन किए थे, बेंचमार्क 6 को रन किए थे। तो इस तरीके से करने के बाद मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया है मोटो के फोन में 5 घंटे के आसपास, और रियलमी 11 प्रो प्लस का जो स्क्रीन ऑन टाइम दिया है वो 5 hours 17 minutes के आसपास। तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब मैं बीजीएमआई खेलता हूँ कंटिन्यू बैटरी डेंटेस्ट करने के लिए, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए सारे ही बैटरी डेंटेस्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके क्लियरली आप लोग चेक कर सकते हो। अभी चार्जिंग के पास देखोगे, दोनों ही फोन का मैं चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन भी किया था। देखिए रियलमी के फोन फुल चार्ज होने के लिए टाइम लगता है 35 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 100 वाट का चार्जर दिया है, और मोटो के फोन में 68 वाट का चार्जर दिया है, यहाँ पे 45 मिनट लगता है फुल चार्ज होने के लिए। अब चलो दोस्तों कैमरा के बारे में बात करते हैं। मोटो के फोन में बैक साइड की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इस फोन के बैक कैमरा या सेल्फी कैमरा दोनों में से 4K 30fps और Full HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। रियलमी के फोन में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया है, यहाँ पे भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। देखिए इस फोन के बैक कैमरा से 4K 30fps और Full HD 60fps करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लेकिन सेल्फी में सिर्फ Full HD 30fps का ऑप्शन ही मिलता है। दोनों फोन में मैंने बहुत सारे पिक्चर वगैरह खींचा हूँ, एक एक करके सारे ही पिक्चर यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए हर एक पिक्चर में मुझे कहीं ना कहीं मोटो ही बेटर लगा है। चाहे वो डायनामिक रेंज आप चेक करो, वहां पे थोड़ा सा क्वालिटी आप लोगों को मोटो में ही बेटर मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप ह्यूमन सैंपल वगैरह भी देखोगे तो वहां पे भी आप लोगों को मोटो का थोड़ा सा बेटर लगेगा, क्योंकि मोटो नेचुरल पिक्चर खींचता है और रियलमी स्लाइटली ब्यूटी कर देता है। एज डिटेक्शन दोनों का ही काफी अच्छा है, बैकग्राउंड में जो स्काई या जो पेड़ वगैरह है उसका भी डिटेलिंग दोनों ही फोन में बढ़िया है। मैंने बहुत सारे फ्लावर का पिक्चर वगैरह भी खींचा था, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके सारे फ्लावर का पिक्चर दिखा रहा हूँ, चेक कर लीजिए। थोड़ा बहुत मुझे कहीं ना कहीं डिटेलिंग या कलर कॉन्ट्रास्ट में मोटो बेटर लगा है। रियलमी थोड़ा सा कलर को बूस्ट करता है हर एक फ्लावर के पिक्चर में, मैंने खुद नोटिस किया हूँ। ऐसे भी यहाँ पे जो सारे पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर आप ओरिजिनल क्वालिटी में देखना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ गूगल ड्राइव का, तो वहां पे जाओ और हर एक पिक्चर को अपने ही फोन में ओरिजिनल क्वालिटी में चेक करो और आप खुद ही डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। सेल्फी कैमरा से भी मैंने बहुत सारे सैंपल वगैरह खींचा था। देखिए सेल्फी कैमरा में साफ साफ बताना चाहूंगा मोटो विनर है, क्योंकि रियलमी कभी कभार थोड़ा सा ब्यूटी करता है, उसी जगह में मोटो नेचुरल पिक्चर खींचता है। रोटेट मोड में दोनों ही फोन काफी अच्छा है, एज डिटेक्शन वगैरह दोनों ही फोन का बेटर है। मैंने बहुत सारे रोटेट सैंपल वगैरह खींचा था, चेक कर लीजिए। नॉर्मल सेल्फी कैमरा में बैकग्राउंड में जो स्काई वगैरह है ना, वहां पे मोटो स्लाइटली ऑप्टिमाइज करने का कोशिश किया है, जबकि रियलमी ओवर एक्सपोज्ड कर दिया है। तो सारे पिक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पे जाके चेक करो और आप खुद डिसाइड करो आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। अब चलो प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखिए रियलमी का जो प्राइस है 8GB 256GB वेरिएंट का 28,000 है, और मोटो का जो प्राइस है वो 30,000 है 8GB 256GB वेरिएंट का। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है दोनों ही फोन का। अब बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है। देखिए दोस्तों अगर आपको क्लीन यूआई ज्यादा पसंद है, स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, आपको बेटर कैमरा चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप लोग मोटो के पास देखिए। अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए, जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए, अच्छा डिजाइन चाहिए, रियलमी का ब्रांडिंग चाहिए, तो आप लोग रियलमी के पास देख सकते हो। दोनों ही फोन अपने अपने जगह में बेस्ट है, लेकिन अगर दोनों फोन में से एक फोन मुझे चुनने के लिए बोलोगे, ऑब्वियसली मैं मोटो H40 को ही चुनूंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ दोनों फोन में से कौन सा फोन आप लोगों को बेटर लगा, आप लोग कौन सा फोन खरीदना चाहोगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।